8, कितने स्क्वायर ऑफ विल बी नीडेड टू मेक 8 सिलेंडर? सिलेंड्रिकल वेसल जो है किस टाइप का है? क्लोज्ड है, तो टोटल सरफेस एरिया लेके चलो, ठीक है, यानी कि जो हमारा वॉल्यूम को हाइट से डिवाइड करके आएगा दैट विल बी द टोटल सरफेस एरिया. कैपेसिटी गिवन है, हाइट गिवन है, हाउ मेनी स्क्वायर मीटर्स ऑफ मेटल शीट वुड बी नीडेड टू मेक इट, क्या करेंगे? वॉल्यूम आपको लीटर्स में गिवन है, उसको किस में कन्वर्ट कर लोगे? मीटर क्यूब में. क्या करोगे मीटर क्यूब में कन्वर्ट करने के लिए? 1 meter cube is equal to 1000 liters. So क्या करेंगे, multiply या divide? लीटर से मीटर क्यूब में कर रहे हो, छोटे से बड़े यूनिट में जा रहे हो, तो डिवाइड करोगे. राइट डाउन हाइट ऑफ द सिलेंड्रिकल वेसल 1 meter. वॉल्यूम इज 15.4 liters. ये मैंने ठीक लिखा है? अब क्या करें, कितना आ जाएगा? Now what to do? Area of, अब जितनी इसकी capacity है उतना volume of tin will be required, ठीक है? तो volume of tin required आ गया हमारे पास 15.4/1000. हमने क्या निकालने? How many square meters of metal sheet would be needed to make it? तो area of, हाँ जी, किसमें? यहां पे जब हम इनको डिवाइड करेंगे क्या आएगा? हाउ मेनी स्क्वायर मीटर्स ऑफ मेटल शीट वुड बी नीडेड टू मेक इट, किससे रेडियस निकाल लोगे? हाइट गिवन है, वॉल्यूम गिवन है, क्या निकलेगा? रेडियस निकलेगा, फिर क्या करोगे? ठीक है, एरिया ऑफ द शीट रिक्वायर्ड विल बी इक्वल टू टोटल सरफेस एरिया. चलो करो, बताओ क्या आएगा. सिलेंड्रिकल वेसल क्योंकि क्लोज है तो टोटल सरफेस एरिया हम लेके चल रहे हैं. उससे पहले हमने वॉल्यूम और हाइट को लेके चलना है. वॉल्यूम आपको गिवन है, हाइट 1 है, पाई को 22/7 ले लो, तो यहां से आर स्क्वायर इज इक्वल टू 154 × 7/10000. पॉइंट हटा दिया मैंने, × 22, सो दिस आर स्क्वायर इज इक्वल टू 7/100 स्क्वायर, तो आर इज इक्वल टू 7/100.07 या 7/100, अभी फिलहाल ऐसे ले लो, आफ्टर कैलकुलेशंस देखेंगे क्या बचता है. रेडियस आ गया, क्लियर है यहां तक? कोई डाउट? अब क्या करें, व्हाट टू डू नाउ? अब टोटल सरफेस एरिया फाइंड आउट करेंगे. तो टोटल सरफेस एरिया क्या फॉर्मूला होता है?
नाउ पुट द वैल्यूज एंड कैलकुलेट योर आंसर क्विकली. वैल्यूज पुट करो और आंसर कैलकुलेट करो. ऑनलाइन स्टूडेंट्स ऑल्सो कैलकुलेट द आंसर. अब वॉल्यूम ऑफ क्या निकालना है? पेंसिल. सो वॉल्यूम ऑफ पेंसिल, पेंसिल में पूरा बड़े वाला आपका आ रहा है तो दैट इज कैपिटल आर से डिनोट कर दिया पाई आर स्क्वायर एच. नाउ पुट द वैल्यूज. 22/7 इंटू 7/2 इंटू 7/2 आर स्क्वायर हो गया. एच इज 140. 7 से 7 कैंसल्ड आउट. कितना आया? 5/3. नाउ वॉल्यूम ऑफ वुड इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ पेंसिल माइनस वॉल्यूम ऑफ ग्रेफाइट. Volume of pencil is 5,390 minus volume of graphite is 110. So 5,280 millimeter cube is the volume of the wood. Clear? डन. चलें अगले पे. नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 8. दिस इज अगेन एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. अ पेशेंट इन अ हॉस्पिटल इज गिवन सूप डेली इन अ सिलेंड्रिकल बाउल ऑफ डायमीटर 7 सेंटीमीटर. हॉस्पिटल में एक पेशेंट है, उसको डेली सूप दिया जाता है इन अ सिलेंड्रिकल बाउल. इफ द बाउल इज फिल्ड विद सूप टू अ हाइट ऑफ 4 सेंटीमीटर, how much soup the hospital has to prepare daily to serve 250 patients. जो ये cylindrical ball है, diameter given है इसका, radius निकाल लेंगे. कितनी height तक soup fill किया जा रहा है? 4 सेंटीमीटर तक. यानी कि volume of soup served to one patient हम निकाल सकते हैं. क्या formula लगाएंगे? pi r square h. आपको पता है soup जो है that is liquid. और लिक्विड जिस किसी कंटेनर में डालते हैं वही शेप ले लेता है. तो जब आप उसको सिलेंड्रिकल ग्लास या सिलेंड्रिकल बॉल में डालोगे तो वही शेप ले लेगा. और हाइट उसकी क्या है उसमें? 4 सेंटीमीटर. डायमीटर वही वेसल वाला हो जाएगा, हाइट 4 सेंटीमीटर लोगे तो यू कैन फाइंड आउट द वॉल्यूम ऑफ द सूप. वॉल्यूम ऑफ सूप फॉर वन पेशेंट आ गया. कितने पेशेंट्स के लिए निकालना है? 250 के लिए. तो क्या करोगे? मल्टीप्लाई. क्लियर? So this is your homework part, question number 8. 6 also is your homework part. Hanji? Overall? So 6 and 8 are your homework parts. Now moving on to the volume of a right circular cone. Kya kiya hua hai iska formula? 1/3 pi r square h, where r is the radius, h is the हाइट. तो यहाँ पे ये एक्टिविटी भी इन्होंने आपको शो की हुई है कि आपने सेम रेडियस और सेम हाइट वाला सिलेंडर और कोन लेना है. कोन में लेट अस सपोज कि अगर आप कोई लिक्विड फिल करके सिलेंडर में उसको ट्रांसफर करते हो तो 3 कोन्स जो हैं आपका वो 1 सिलेंडर फिल करेंगे विद सेम रेडियस एंड सेम हाइट. यानी कि वॉल्यूम ऑफ जो सिलेंडर है अगर आप उसको देखो तो दैट इज 3 times द वॉल्यूम ऑफ द कोन. या अगर हम वॉल्यूम ऑफ कोन की बात करते हैं तो दैट इज 1/3 ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर. सो एक्सरसाइज पे आ जाइए. एक्सरसाइज 13.7, क्वेश्चन नंबर 1. फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द राइट सर्कुलर कोन विद रेडियस 6 सेंटीमीटर एंड हाइट 7 सेंटीमीटर. रेडियस गिवन है, हाइट गिवन है एंड वी आर टू फाइंड द वॉल्यूम.
अगर लगेगा कि आई एम गोइंग फास्ट, जिसको जहां जो चीज नहीं क्लियर होगी वहीं साथ के साथ पूछना, बता देना मुझे अगर लगे कि फास्ट हो गए हैं, अदरवाइज यू पीपल आर गिविंग द रिस्पॉन्स, सो आई एम गोइंग विद दिस स्पीड. वॉल्यूम हमने निकालना है. वी आर गिवन रेडियस 6 सेंटीमीटर, हाइट 7 सेंटीमीटर. Height 7 centimeter. What we are to find out? Volume. क्या फॉर्मूला लेंगे? 1/3 πr² h. Cancellations कर दो. So this is 264 centimeter³. ठीक है. सेकेंड पार्ट इज योर होमवर्क. रेडियस 3.5 है और हाइट आपको 12 गिवन है. सो दिस इज योर होमवर्क पार्ट. क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 2 ले रही हूं मैं. पार्ट 1 विल बी योर होमवर्क. हाइट 12 सेंटीमीटर है, स्लांट हाइट. चलो सेकेंड पार्ट होमवर्क में कर लेना. इसकी डायमेंशंस आपको पता है. अगर 12 और 13 गिवन है, हाइपो और परपेंडिकुलर, तो बेस क्या आता है? 12 और 13 का पाइथागोरियन ट्रिपलेट क्या बनता है? 5. ठीक है, तो ये आप खुद कर लेना. फर्स्ट मैं करवा देती हूँ. फर्स्ट वाले में हमें रेडियस 7 गिवन है, स्लांट हाइट 25 गिवन है. रेडियस इज 7, स्लांट हाइट इज 25. देखो ये कौन है आपका? रेडियस कितना गिवन है? 7. दिस इज योर स्लांट हाइट. ये कितनी गिवन है? 25. वॉल्यूम निकालने के लिए व्हाट वी नीड टू फाइंड आउट? हाइट. हाइट निकालनी है. राइट ट्राइंगल बन रहा है जिसका हाइपो आपको गिवन है, जिसका बेस आपको गिवन है. यू आर टू फाइंड द परपेंडिकुलर. सो स्लांट हाइट एल इज 25, R is 7, so H we are to find. क्या फॉर्मूला लगेगा? L square is equal to R square plus H square. L given है 25 का square, R is 7. This is 7 square plus H square. 625 minus 49 is, and 576 is the square of 24. So 24 सेंटीमीटर क्या आ गई हमारे पास? हाइट आ गई. अब वॉल्यूम निकाल सकते हो. फिगर जरूर ड्रॉ करनी है. अभी भी मेरे पास जो कुछ नोटबुक्स आई हैं, दैट द स्टूडेंट्स हैवंट ड्रॉन द फिगर. वन मोर थिंग, जो आपको इंडेक्स आपने बनाना है, दैट शुड बी अकॉर्डिंग टू द गिवन फॉर्मेट. It should contain the columns of that regularity, neatness, completion of work. ये चार columns आपके होने चाहिए. So volume, again we will use the formula. पिछले वाले क्वेश्चन में 3 लगाया था हमने आगे. ठीक है, थर्टी और फोर्टी वॉल्यूम है तो क्यूबिक यूनिट, सो सेंटीमीटर क्यूब. डन. मेथड क्लियर. नाउ क्वेश्चन नंबर 3. हाइट ऑफ अ कोन इज 15 सेंटीमीटर, वॉल्यूम इज 1570 सेंटीमीटर³. फाइंड द रेडियस एंड यूज पाई इज इक्वल टू 3.14. वॉल्यूम गिवन है और क्या गिवन है और निकालना क्या है? तो फॉर्मूला वॉल्यूम का ही यूज होगा आपका.
वॉल्यूम कितना है, वॉल्यूम ऑफ कोन, एंड हाइट ऑफ कोन इज 15 सेंटीमीटर. रेडियस आर ले लिया हमने, सो वॉल्यूम ऑफ कोन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच. वॉल्यूम इज 1570, 1/3 इंटू पाई उसने 3.14 कहा है, आर हमने निकालना है एंड एच इज 15. सो आर स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको मैं 3 5 सा ले लेती हूँ, 1570 डिवाइडेड बाय 5 इंटू 3.14. ये डेसिमल्स हटाओगे तो यहाँ पे 100 आ जाएगा. 314 इंटू 5 इज 1570. सो कैंसिल आउट, ओके, आर स्क्वायर इज इक्वल टू 100. आर कितना आ गया, 10. सो रेडियस ऑफ द कोन इज 10 सेंटीमीटर. कहाँ, 1570, ये कैंसिल आउट. डन बेटे. If any doubt is there in any of the steps, you can ask. Eva, पूछ लो, कुछ doubt है तो बेटे. हाँ जी, okay. पता लग गई? रमनीत, done. हाँ जी boys, किसका रह गया? All of you have done. चलिए question number 4 देखिए. If the volume of a right circular cone of height 9 centimeter is 48 pi, find the diameter of its base. Volume given है, height given है, diameter निकालना है. तो radius तक same method है. Diameter के लिए क्या करोगे? Multiply by 2. So this is again your homework part. Question number 4. यहाँ तक method same है. Diameter निकालना है तो 2 से multiply कर दोगे. ठीक है? हो जाएगा? ओके, क्वेश्चन नंबर 4 होमवर्क है. अब 5 पे आ जाइए. अ कॉनिकल पिट ऑफ टॉप डायमीटर 3.5 मीटर इज 12 मीटर डीप. क्या क्या गिवन है? एक मिनट और कोई नहीं बोलेगा. जसरूप, क्या क्या गिवन है? क्वेश्चन नंबर कौन सा कर रहे हैं? क्वेश्चन कौन सा कर रहे हैं? फिफ्थ. क्या क्या गिवन है? डायमीटर कितना गिवन है? ओके, डायमीटर ऑफ कॉनिकल टॉप 3.5. और क्या गिवन है? क्या है ये? क्या चीज है? 12 मीटर हाइट. निकालना क्या है? हाँ जी, क्या होती है कैपेसिटी? कैपेसिटी हमने निकालनी है, मतलब क्या निकालना है? व्हाट डू यू मीन बाय कैपेसिटी? वॉल्यूम. तो वॉल्यूम ऑफ कोन इन किलोमीटर्स हमने निकालना है. क्या फॉर्मूला होता है कोन का, वॉल्यूम का? पाई आर स्क्वायर. तो फिर सिलेंडर का क्या होता है? अभी मैं बता के हटी हूँ, कोन का वॉल्यूम इज 1/3 ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर. तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच. अब ये किलोमीटर्स में निकालना है, कन्वर्जन पहले करनी है कि बाद में करनी है? ओके,
चलो क्या आएगा? पाई गिवन नहीं है तो 22/7 आर 3.5 एंड एच इज 12। हाँ जी 3.5 डायमीटर है तो रेडियस निकाल लो पहले 7/4। ये 7 और ये 7 कट गया, 4 3s are 3 3s are देन 11s and 2 11/2 आ रहे, 77/2 77/2 एंड द यूनिट इज। अब इसको किस में कन्वर्ट करना है? किलो लीटर्स में। अब बताओ क्या करें किलो लीटर के लिए? 1 meter cube इज इक्वल टू हाउ मेनी किलो लीटर्स? वेरी गुड। ये होता है 1 किलो लीटर में कितने लीटर होते हैं? किलो इज रिलेटेड टू 1000। अगर 1 किलोग्राम की बात हो रही है तो दैट इज इक्वल टू 1000 grams। अगर 1 किलोमीटर की बात हो रही है दैट इज इक्वल टू 1000 meters। अब 1 किलो लीटर की बात हो रही है तो दैट इज 1000 liters। यानी कि 1 meter cube इज इक्वल टू क्या? क्यों 1000 liter कितने किलोलीटर के बराबर है? क्यों कंफ्यूज हो रहे हो? गॉट इट और नॉट? 1000 लीटर कितने किलोलीटर के बराबर होता है? 1 kg। मैंने अभी क्या बताया? 1 kg कितने ग्राम्स के इक्वल है? 1000। 1 किलोमीटर कितने मीटर्स के इक्वल है? 1000। 1 किलोलीटर कितने लीटर के इक्वल होगा? 1000। किलो जहां पे भी आ गया, आगे ग्राम है, मीटर है, लीटर है, जो मर्जी है, किलो मीन्स 1000। किलोग्राम्स है तो 1000 grams, मीटर है, किलोमीटर है तो 1000 meters, किलो लीटर है तो 1000 liter। अब यहाँ 1000 liter को किससे रिप्लेस कर दिया? किलो लीटर से। तो यहाँ पे क्या करोगे? 77/2 किलो लीटर। सो दैट विल बी योर आंसर। रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस वी विल डू टुमारो।